हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, अभी सुबह हो गया, हम लोग उठ गए हैं, हम लोग ब्रश वगैरह कर लिए हैं और गोलू का आज थोड़ा मूड हुआ एक्सरसाइज करने का, तो हम गोलू को कुछ एक्सरसाइज सिखाएंगे क्योंकि गोलू कॉम्प्लेन पीना स्टार्ट कर दिया था। थोड़ा एक्सरसाइज भी इसको करने की ज़रूरत है ना गोलू? हाँ। तो चलिए देखो, पहले हाथ को ऐसे नीचे रखा। चलो आप पहले करते हैं, चलो चबूतरा में चलते हैं, करते हैं, ठीक है। और गोलू अभी ब्रश कर लिया, उसको फिर ब्रश कर रहा। देखो ये देखिए दोस्तों, गुरु को ब्रश करने बहुत मजा, दिन में चार बार। नहीं दोस्तों, कर सकता है, क्या जरूरत। गुरु हाय कर दो, दांत साफ कर लेगा। गुरु हाय कर दो बेटा, हाय करो, हाय हाय करो, ये दिन में चार बार पांच बार ब्रश करता है ना। ले लो। तो चलिए डायरेक्टली अब एक्सरसाइज ग्राउंड पे चलते हैं। और आप देख सकते हैं ये हमारा लंबा चौड़ा चबूतरा है और यहीं पे हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, है ना गोलू? चटाई बिछाएगा। हाँ, चटाई किधर है? ये रहा चटाई हमारा, ये वाला बिछाएगा। हाँ, नहीं रुको ना, वो वाला बिछाते हैं। हाँ? वो वाला बिछाते हैं, रुकिए है। देखो चटा एक हमारे पास है, ये बिछाते हैं ना बेटा, ये बिछाने में अच्छा लगे। हाँ, ये तो हम, अरे बाप रे बाप, ये तिरपाल, तिरपाल नहीं सॉरी, ये एक्चुअली कालीन जैसा ही है। चलिए इसको बिछाते हैं। जादुई कालीन नहीं है, कालीन है, नॉर्मल कालीन। चलो जादुई कालीन, थोड़ा कैमरा पकड़ो। अब ये बिछ गया हमारा चट्टा कारपेट, ये हमारा बिछ गया है कारपेट। और अब हम एक्सरसाइज गोलू को सिखाएंगे और यहाँ गुड्डू भी आ रहा है, तो गुड्डू को भी क्या करने का मन है क्या? तो चलिए, तो क्या क्या देखिए दोस्तों, पहले हमें ऐसे हाथ किया, तो गोलू क्या क्या एक्सरसाइज कर रहा है उसको देखिए। ये देखो ऐसे नीचे रखा, फिर ऐसे ऐसे, अच्छा ऐसे ऐसे करना है ऐसे। और यहाँ गुड्डू भी एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया। गुड्डू एक्सरसाइज करो, तुम भी करो, तुम भी करो बेटा। अब मैं एक नया एक्सरसाइज सिखाऊंगा। देखो पहले ऐसे हाथ, फिर ऐसे, तुम भी करो, तुम भी करो गुड्डू। तो गुड्डू भी यहाँ करने की कोशिश कर रहा है। और ये देखिए, ओस गोलू डिप्स मारना भी सीख गया है। हाँ, अब मैं डिप्स मारूंगा। अब देखना पहले सोचे, अरे बाप रे, ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा। क्या है? तो अरे मेरा तो ले, गुड्डू फेंक दिया। क्या हो गया गुड्डू को? गुड्डू चलो एक्सरसाइज करो, तुम भी जंप करो, जंप तुम भी करो ऐसे। गुड्डू जंप करो, ठीक है। चलो गुड्डू का फेवरेट गाना बजाते हैं, ए खुदा तू बोल दे मैं, हमको तो गाना नहीं आता। चलो एक्सरसाइज करो, वाओ देखा उसको जंप नहीं कर पाया था। देखा मैंने उसको पीछे से गोली लेकर उसको जंप कराया, देखा बुबू सारी की। और क्या कह रहा गुड्डू तुम भैया? अच्छा ये कौन सा एक्सरसाइज है भाई? जंप गुड्डू जंप। अरे बाप रे, मैं मर गया। अरे बाबू वाह, हमरो का पेट का तोड़ दिया। अरे उठो जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठो उठो उठो, भैया को दर्द कर रहा है, उठो उठो, उठ जाओ बेटा, उठ जाओ उठ जाओ। अरे उठ, नहीं तो तेरे को गिरा दूंगा फिर। मम्मा गिर जाएगा, मम्मा 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 मम्मा, ले गिर गया, भाई।
पापा गुड्डू पापा बोलो पापा पापा गुड आधे बोलो ये टकला हुआ है भाई तेरे टकला होके घूम रहा है इसका टकला हुआ था बहुत रोना आ रहा था और निकले थे दोस्तों एक्सरसाइज करने के लिए और आप ये देखिए दोनों बंदर क्या कर रहा है देखिए ये देखिए क्या कर रहा तुम लोग एक्सरसाइज तुम लोग हो गया हाँ, एक्सरसाइज हो गया कंप्लीट तो चलो अब खाना वाना खाया जाए है ना और ये देखिए गुड्डू को गुड्डू एक्सरसाइज हो गया बेटा चलो हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया तो गुड्डू काफी इंजॉय कर रहा है मैं तो खाना भी इधर बैठ के ही खाऊंगा गर्मी लगेगा बहुत चलो अंदर अरे इधर ही बेटो चलो चलो बेटा चलो चलते हैं हम लोग वहीं रहेगा हाँ। चलिए इसको छोड़ देते हैं और देखते हैं खाना वाना बना के नहीं बना क्योंकि मुझे तो मेरे पेट में तो पूरा चूहे कूद रहा है अरे मेरा पेट में भी चूहा कूद रहा है कूद रहा है ना तो कितना रोटी खाएगा टेन रोटी खाएगा अच्छा देखते हैं कितना रोटी खाता है गोलू सो हम कर रहे हैं अब खाने का इंतज़ार नाश्ते का देखते हैं कितने लेट में आता है और भूख तो लग गया है तो उससे पहले मैं एक मेडिसिन लेता हूँ होम्योपैथी का एक्चुअली मेरे पेट में थोड़ा स्टोन का प्रॉब्लम था 2-3 साल पहले बट एहतियात लेते हुए मैं इसमें जो मेडिसिन है उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और 1 साल तक खाऊंगा उसके बाद फिर अल्ट्रासाउंड कराऊंगा तो देखूंगा फिलहाल अभी तो मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं लगभग 2 साल से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चलिए पहले उसको मेडिसिन लेते हैं गर्म पानी के साथ और ये रहा वो मेडिसिन इसकी 20 बूंदे हम इसमें डालेंगे और ठंडा पानी भी मिलाना है क्योंकि गर्म बहुत ज़्यादा हो सकता है और ये बन गया कॉकटेल ये देखिए ये बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है दोस्तों और यहाँ दोनों भाई अभी मस्ती में लगे हुए हैं है ना गुड्डू हाई कर दो हाई करो बेटा पानी नहीं ये दवाई है दवाई पियोगे क्या पियो गया गुड्डू हाँ मामा पहले मैं दवाई पी लेता हूँ ठीक है तो गुल्लू अब पढ़ाई करने बैठ गया है पढ़ाई करने का टाइम है ना गुल्लू चलो जल्दी जल्दी होमवर्क कर लो बेटा फटाफट गुल्लू क्या कर रहा है बेटा इतना मेहनत क्यों कर रहा है जाओ निकाल लो उधर से सीधा सीधे निकालो सीधा सीधे निकालो दो पे शर्ट रहा दीवार पे हाँ निकालो अब निकालो गोलो यहाँ पर उंगली अपना फंसा लिया कैसे फंसा बताओ हाँ अब निकल नहीं रहा है ना इसको निकालते हैं सो फ्रेंड्स अब हमारे यहाँ समोसे की पार्टी हो रही है समोसा घर में ही बना रहे हैं जो बाहर दुकान वुकान सब तो बंद है दोस्तों तो यहाँ देखिए हमारे घर में समोसा बना है ये रहा और अरे दोस्तों आप बाद में समोसा खाने वाला हूँ मेरे को बहुत भूख लग रहा है दोस्तों इसमें कुछ कमी है नमक की कमी है नमक 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 काला नमक तुमको चाहिए गुड्डू आपको भी चाहिए बेटा गुड्डू को चाहिए मेरे को समोसा दो नमक लो खाओ खाओ कैसा लगा गुड्डू को यम्मी
दोस्तों फ्रेंड्स आज का वीडियो हम चलिए खत्म करते हैं और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आपको क्या करना है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना है और हमारे चैनल पे लगातार विजिट करते रहिएगा, नए नए ब्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।